नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यूरोपियन यूनियन से। जी हाँ दोस्तों, ये जो खबर है ये भारत में समझ लीजिए कि पिछले 2022 के बाद से अब इस तरह की खबर आई है कि भारत ने कुछ ज़बरदस्त तरीके से कमाई करी हुई है। ये समझ लीजिए कि कमाई के दरवाजे खोल दिए हैं भारत ने, और ये जो दरवाजे में असली खोलने का जो धक्का लगाया है दरवाजे को खोलने में, ये यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, वो भी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। उसने खुद बेवकूफ़ी करी यूरोपियन यूनियन ने, और वो अब अपने उस गड्ढे में गिर गया है खुद, और इसका भरपूर फ़ायदा भारत को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ इस तरह से है कि यूरोपियन यूनियन की बहुत सी रिफाइनरीज़ हैं जो अब शटडाउन हो गई हैं, शटडाउन होती चली जा रही हैं। ये रिफाइनरीज क्या करती थी, कच्चा तेल खरीदती थी और उस कच्चे तेल को फिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अपना बदल कर और बेचती थी। ये कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो नहीं भी हैं उनकी भी रिफाइनरीज शटडाउन हो रही हैं। जैसे ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी रिफाइनरी शटडाउन हो रही है। जर्मनी की, इटली की, नीदरलैंड की, इन सभी की रिफाइनरीज अब शटडाउन हो रही हैं। रीज़न ये बताया जा रहा है शटडाउन होने का कि इस मार्केट में अब मार्जिन नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्जिन है, लेकिन ये रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ और है। मार्जिन तो कम हुए हैं, ये बात तो सही है, लेकिन मार्जिन कम होने का कारण क्या है ये अभी पूरा डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, भारत को इससे कैसे फ़ायदा हुआ अब ये आपको बताता हूँ, क्योंकि भारत कोई प्रोडक्शन तो करता नहीं है कच्चे तेल का, लेकिन भारत रसिया से कच्चा तेल लेता है, और भारत उस कच्चे तेल को आगे सप्लाई कर देता है। भारत इस वक्त मीडिएटर का काम कर रहा है, जिससे भारत की कमाई होती है। ये समझ लीजिए कि भारत पहले $1 मिलियन की सेल करता था पर डे, अब ये सेल बढ़कर 1.5 मिलियन बैरल की हो गई है। पहले 1 मिलियन बैरल पर डे सप्लाई होती थी, अब 1.5 मिलियन बैरल पर डे की सप्लाई है, यानी कि जितनी हम करते थे उसमें 50% और बढ़ गई है। तो हमारी तो सेल बढ़ गई है, तो हमारी अर्निंग भी बढ़ गई है। इससे अब समझते हैं कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने क्या गलती करी और ये कैसे फंस गए। दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने और ये जो वेस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने रसिया के ऊपर लगा दिए हैं सैंक्शन, और सैंक्शन लगाने के बाद इन्होंने उसके प्रोडक्ट को ख़रीदना बंद कर दिया। तो इन्होंने ये जो कच्चा तेल है इसको भी बंद किया ख़रीदना, और जबकि इनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी रसिया के ऊपर। पहले रसिया इनको सस्ता माल बेचता था, लेकिन जब इन्होंने उसका रास्ते को बंद कर दिया, उससे लेना इन्होंने बंद कर दिया, तो रसिया ने इनको देना बंद कर दिया। अब इनको तो कच्चा तेल चाहिए ही था, तो अब ये क्या कर रहे हैं, रशियन ऑयल को ही भारत के थ्रू परचेज कर रहे हैं। तो इससे इनको ये नुकसान होने लगा कि बीच में एक तो भारत का मार्जिन आ गया, जो इनको डायरेक्ट डिस्काउंट पर मिल जाता था ऑयल, अब वो डिस्काउंट नहीं मिलता है, क्योंकि पहले वो रशिया इंडिया को बेचता है, फिर इंडिया से यूरोप जाता है। तो इस बीच में अगर मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ भारत ने अगर 100 रुपये पर ख़रीदी तो बनी हुई बात है, इनको आगे 102 रुपये पर बेचेगा, कुछ मार्जिन तो खुद भी रखेगा, तो भारत वो मार्जिन रखता है। दूसरी चीज़, जब इतना लंबा रास्ता जाए होकर निकलेगा कोई भी सामान, तो रास्ते की भी कीमत आएगी, यानी कि भाड़ा, तो वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ को बियर करना पड़ रहा है। तो इस तरह से दो तरीके से ये प्रोडक्ट महंगा हो गया। अब जब इतना ज़्यादा ये महंगा होता चला जा रहा है, तो इन्होंने ये देख लिया कि अब इनका मार्जिन कम हो गया है। अब जब कम हो गया है, तो इन्होंने शटडाउन करना शुरू कर दिया अपने रिफाइनरीज़ को। हालाँकि ये इस रीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि अब हम लोग बायोफ्यूल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अगर स्विच करता है किसी भी चीज़ में, तो उसकी प्लानिंग के साथ करता है, अचानक से नहीं करने लगता है कि कोई चीज़ कम ख़त्म कर दी और हम बायोफ्यूल पे जाने लगे, क्योंकि ये
रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। तो लोग प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें करते हैं। ये दोस्तों कमी जो है ये यूरोपियन यूनियन की है, इनकी समझ की है, क्योंकि ये अमेरिका के कहने पे तो सारी चीज़ें करने लगते हैं। अमेरिका ने बोला कि रशिया पे सैंक्शन लगा दो, इन्होंने लगा दिए। इन सामान खरीदना बंद कर दो, इन्होंने रशिया सामान खरीदना बंद कर दे। जबकि ये बहुत बड़े इम्पोर्टर थे क्रूड ऑयल के, गैस के, ये सारी चीज़ें परचेस करते थे। वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि इनको घरों को गर्म करने के लिए गैस जलानी पड़ती। अब उसकी हीट, गैस की गर्मी से ये लोग अपने घर को ठंडा रखते हैं, गर्म करते हैं। अब दोस्तों समझ लीजिए कि वो गैस भी इन्होंने मंगानी बंद कर दी रशिया से। अब ये चाहिए तो इनको, लेकिन रशिया से नहीं मंगाएंगे डायरेक्ट, अब वो किसी और तरीके से पहुंच रहा उनके पास, तो अब चीज़ें महंगी हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।